व्हाट द टेक इज गोइंग ऑन फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकी निकोडर की तरफ से और आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। एंड गाइस, इस वीडियो में मैं इन्फिनिक्स S5 Pro स्मार्टफोन का फुल रिव्यू करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ कि इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है सब कुछ। लेकिन उससे पहले गाइस, डेफिनेटली अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उस बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अगर पहले से कर दिया है देन थैंक यू। ओके गाइस, तो बिल्ड क्वालिटी से हम लोग स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर आपको दिया गया है पॉलीकार्बोनेट बैक लेकिन एक ग्लास फिनिश दिया गया है। अब मुझे पता है कि ये डिज़ाइन बिल्कुल भी न्यू नहीं है, ऐसे डिज़ाइन हमने पहले भी देखा है, बट इट लुक्स नाइस, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। अब बटन्स के बारे में बात करें तो इन पावर बटन, वॉल्यूम बटन सब कुछ बिल्कुल टैक्टाइल था, तो वहाँ पर मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। अब यहाँ पर आपको दिया गया है 6.53 इंच का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले एंड डेफिनेटली इस प्राइस रेंज में आपको कोई और फोन ऐसा डिस्प्ले नहीं देता है। फुल व्यू एक्सपीरियंस आपको मिलता है, नो नॉच नो पंच होल, मतलब फुल एक्सपीरियंस आपको मिलता है। अगर डिस्प्ले की मैं क्वालिटी के बारे में बात करूं, देन कलर एक्यूरेसी बहुत ही अच्छा था, विंग एंगल्स काफी अच्छे थे, लेकिन मुझे लगा कि डायरेक्ट सनलाइट के अंदर नीचे ब्राइटनेस और थोड़ी सी बेटर हो सकती थी, बट ओवरऑल डिस्प्ले इज क्वाइट गुड। और अगर मैं इसके प्रोटेक्शन के बारे में बात करूं, देन यहां पर आपको दिया गया है एक ड्रैगन टेल प्रोटेक्शन, जो कि गोरिल्ला ग्लास की तरह उतना हार्ड नहीं है, बट देयर इज अ प्रोटेक्शन। अब अगर कॉलिंग के बारे में बात करें, देन ईयरपीस माइक्रोफोन दोनों ही बिल्कुल ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं हुई थी। और यहां पर आपको नेटिव वीडियो कॉलिंग, वीओ, वाईफाई इन सभी का सपोर्ट मिल जाता है। और अगर मैं इसके स्पीकर के बारे में बात करूं, देन यहां पर आपको DTS सराउंड साउंड का फीचर दिया गया है। मुझे स्पीकर पर्सनली काफी पसंद आया, काफी लाउड था, काफी अच्छी मुझे क्लैरिटी लगी, द स्पीकर वाज क्वाइट गुड। लेकिन जो 3.5mm जैक है, मुझे लगा कि इसके आउटपुट और थोड़ी बेटर हो सकती थी। अब यहां पर जो फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, वो मैं फास्ट नहीं बोलूंगा बट एक्यूरेट है और फास्ट हो सकता था। लेकिन जो फेस अनलॉक है वो एक्चुअली काफी अच्छा है, तो ऑलमोस्ट हर बार ये काम कर जाता, तो फेस अनलॉक मुझे इसका काफी पसंद आया। अब परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, देन यहाँ पर आपको दिया गया है 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज, साथ में डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट एंड द प्रोसेसर इज हीलियो P35। अब मुझे पता है कि कंपनी इसको मार्केटिंग कर रही है चीपेस्ट पॉपअप स्मार्टफोन की तरफ से, लेकिन मुझे लगता है कि और भी बेटर प्रोसेसर एटलीस्ट देना चाहिए था। तो P35 4-5 ऐप्स के लिए ठीक है, नॉर्मल ऐप्स डे टू डे टास्क के लिए, लेकिन जब भी आप मल्टीटास्क करने जाएंगे, बहुत सारे ऐप्स में स्विच करेंगे, स्कॉलिंग वगैरह करेंगे ज़्यादा, तब जाके आपको वो लैग नज़र आएगी। तो मुझे लगता है कि प्रोसेसर और थोड़ा बेटर हो सकता था। और अगर मैं गेमिंग के बारे में बात करूँ, देन डेडिकेटेड पबजी गेमिंग रिव्यू मैंने पहले ही बना दिया, आप जाके उसको चेक कर सकते हो। पबजी प्लेबल है, बेस्ट नहीं है, बट एक स्मूथ एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है। चलिए सब कुछ छोड़ देते हैं, हम बात करते हैं इसके हाईलाइट के बारे में, यानी कि इसका 16 megapixel का पॉपअप सेल्फी कैमरा। एंड अनफॉर्चुनेटली इट्स स्ट्रगल्स, लेकिन इसके हार्डवेयर में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इसके सॉफ्टवेयर में। वीडियोज तो काफ़ी अच्छे आते हैं, ठीक ठाक खिलते हैं, लेकिन जो पिक्चर्स आते हैं वो बहुत ही अजीब है, मतलब कुछ ज़्यादा ही सफ़ेद हो जाता है, डायनामिक रेंज ऑलमोस्ट कुछ है ही नहीं, कलर साइंस बहुत अजीब है काइंड ऑफ, और ओवरऑल सेल्फी एक्सपीरियंस वॉज नॉट दैट ग्रेट। বন্ধুরা, এটা হচ্ছে ইনফিনিক্স S5 Pro থেকে নেওয়া ফ্রন্ট ক্যামেরা ভিডিও স্যাম্পল, এবং ছবিগুলো আমার অতটা পছন্দ হয়নি, কিন্তু ভিডিও কোয়ালিটি অদ্ভুতভাবে বেশ ভালো, এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খুব ভালোভাবে ডাইনামিক রেঞ্জ মেনটেন হচ্ছে, আমার ফেসটা ভালো ওয়েল লিট আছে, তো ভিডিও ইজ কোয়াইট গুড। लेकिन अगर मैं इसके रियर कैमरा में बात करूं, देन 48 मेगापिक्सल का आपको इसमें रियर कैमरा दिया गया है। रियर कैमरा वाज एक्चुअली क्वाइट गुड, कलर्स काफ़ी अच्छे आ रहे थे, डायनामिक रेंज काफ़ी अच्छा था, ओवरऑल रियर कैमरा मुझे पसंद आया है। अब इसके सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं, देन इन्फिनिक्स ने यहाँ पर एक्चुअली काफ़ी अच्छा काम किया है। आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिल जाता है एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट, और साथ में आपको यहाँ पर ढेर सारे भर भर के फीचर्स दिया गया है, चाहे वो आप ऐप लॉग बोलिए, कॉल रिकॉर्डिंग बोलिए, व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्डिंग बोलिए, डिलीटेड मैसेज पढ़ने के फीचर्स के बारे में बोलिए, तो फीचर्स बहुत ही है उसमें, उस मामले में सच में इन्फिनिक्स ने काफ़ी अच्छा काम किया है। अब चलिए इसके बैटरी के बारे में बात करते हैं, 4000mAh का बैटरी दिया गया है, लेकिन बैटरी में काफ़ी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन की गई है। एक्चुअली बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छा था, मैंने 32 मिनट्स पबजी खेला था और सिर्फ 11% बैटरी ड्रॉप हुआ था, एंड डेफिनेटली बैटरी काफ़ी अच्छी है यहाँ पर, तो आराम से आपका 1.5 दिन तो यहाँ पर निकल ही जाएगा। तो फाइनल वर्डिक्ट कि क्या आपको ये फ़ोन खरीदना चाहिए गाइस, देन ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आपके प्रायोरिटी सिर्फ है एक पॉपअप सेल्फी कैमरा, देन आपको इसी ऑप्शन में जाना होगा, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन अगर आप एक ओवरऑल बेटर स्मार्टफोन चाहते हैं, देन दूसरे ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में, और मैं और भी इसको रिकमेंड करता अगर सेल्फी कैमरा और इम्प्रूव होता तो। तो गाइज, आपको कैसा लगा डेफिनेटली कमेंट करके बताइए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो आपका दिन शुभ रहे, मिलता है अगले वीडियो में, एंड पीस।
তো বন্ধুরা আমার ফাইনাল মন্তব্য যে এই ফোনটা কি আপনাদের কেনা উচিত। তো ভারতীয় মুদ্রায় 9,999 টাকা, এটাই সবচেয়ে সস্তা দামের পপ আপ সেলফি ক্যামেরাওয়ালা স্মার্টফোন, যেটা আপনার যদি দরকার হয় তাহলে এটাই একমাত্র অপশান আপনি কিনতে পারেন। তো